नमस्कार दोस्तों, दिस इज चैतन्य। आप देख रहे हैं सुपर ब्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग में पावर सेविंग मोड इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रिक बहुत आसान है और सैमसंग यूजर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो हाउ टू इनेबल पावर सेविंग मोड इन सैमसंग, ये जानना चाहते तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे सैमसंग के एक ऐप को थैंक कहना चाहूँगा। इस एप्लीकेशन का नाम है डिवाइस मेंटेनेंस। दोस्तों, ये ऐप आपको किसी भी सैमसंग के डिवाइस में मिल जाएगी। अगर आप इस ऐप को ओपन करते हो, आपको उस सैमसंग डिवाइस की स्टोरेज एनालिसिस कोई किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऐप आपको प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए तो आपको सेटिंग में भी ये ऐप मिल जाती है। अगर सेटिंग में ढूंढना चाहते हो तो सेटिंग में इस ऐप का नाम है डिवाइस केयर ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वही ऐप ओपन होगी जैसा मैंने आपको दिखाया था। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, सिक्योरिटी, इन सारे ऑप्शन को आप एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बैटरी पर क्लिक करना है। बैटरी पर जैसे आप क्लिक करते हैं, बैटरी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, जिसमें बहुत सारे बैटरी जाती है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है पावर मोड। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन तीन ऑप्शन में जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है मीडियम पावर सेविंग। दोस्तों, आपको उसी को ऑन करना है। मैक्सिमम से होता है कि आपका डिवाइस स्लो हो जाता है। मीडियम को ही आप ऑन कर दीजिए। तो ये है वो ट्रिक। मीडियम को जैसे क्लिक करते हो और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइम दिख जाएगा कब तक बैटरी मेंटेन होगी। 5 और 6 मिनट के लिए मेरा डिवाइस आप भी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर पसंद आए तो ही लाइक कर दीजिए। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं जल्दी आपकी कमेंट पढ़कर उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।